आता अभिमानाने बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। तेलंगी पाशापेट येथे जोरदार पावसामुळे नाल्यातील घाण पाणी रस्त्यावर आल्याने नागरिकांना त्रास झाल्याचं पाहायला मिळालं। रविवारी दुपारच्या सुमारास जोरदार पाऊस या परिसरात झाला। या भागात असलेला नाला ओव्हरफ्लो झाल्यानं या नाल्यातील घाण पाणी अनेक नागरिकांच्या घरात घुसले। तसेच रस्त्यावर देखील घाण पाणी वाहून आल्यानं नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला। या भागात नमाज पठण करण्यासाठी आलेल्या मुस्लिम बांधवांना देखील या घाण पाण्याचा त्रास झाल्याचं नागरिकांचे म्हणणे आहे। पालिका प्रशासनानं या नाल्याची साफसफाई करून बंदिस्त पाईपलाईन घालून पाणी वळवावं अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे। यहाँ पर बारिश आने की वजह से लोगों को सड़क पर पानी जमा होता है और खड्डा कहाँ है इधर है ये तो मालूम नहीं पड़ता। पूरा गंदगी आ रही है। मदरसे के बच्चे दो चार पढ़े लिए हैं और मस्जिद को अभी जाने के वास्ते बहुत अड़चन है। हाँ, सब गंदगी मस्जिद में जा रही है। इसके वास्ते हमें क्या एंट्री देने की पड़ी आ गई है। और कुछ इधर कॉरपोरेशन लोगों का क्या ख्याल नहीं है और मेंबर लोगों का ख्याल नहीं। मेंबर बोलते हैं हमारा काम नहीं है। हाँ, यहाँ खड्डे हैं, यहाँ बड़ा नाला है, बड़ा नाला होने की वजह से यहाँ पानी रुकता है या लोगों को तकलीफ होती है। कहाँ खड्डा है, क्या है, ये तो मालूम नहीं पड़ता। मस्जिद के जाने वाले लोगों को भी तकलीफ है। यहाँ ना कॉरपोरेशन वाला ध्यान देता है, ना कमिश्नर ध्यान देता है, कोई भी ध्यान देता नहीं। हाँ, क्या करना, लोग कैसा जाना बोलो। अभी नमाज को जाने का वक्त आया तो कैसा जाना। तुम्हारी राय क्या है? तुम महापालिका आयुक्त क्या बोलना चाहते? हाँ, महापालिका आयुक्त को हम ये बोलना चाहते कि एक बार आकर सर्वे करिए। सर्वे करने के बाद क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आकर देखिए, आंखों से हाल देखने के बाद इसका कुछ तो भी इंतजाम कीजिए। अरे मस्जिद को आने जाने तकलीफ होती है। हाँ, मस्जिद को आने जाने को तकलीफ होती है। हमारे यहाँ मदरसा चलता है, वहाँ के बच्चे अभी दो चार बच्चे गिरे गए, खड्डे में गिरे, गंदे पानी से गए। फिर कैसा जाएंगे बोलो बच्चे? फिर आने के फिर कैसा आएंगे वो मदरसे को बच्चे? हाँ, बच्चों को तो भी भाना चाहिए कि क्या तुम बरसात आया तो चलो चलो छुट्टी मिलती करते। हाँ, ऐसा होने से कैसा होता है फिर? आप क्या तुम्हें बंदोबस्त करना चाहिए? बस इतना कहते हुए हम खत्म। के पास से जमकंडी पुल तक ये रोड का काम नहीं हुआ है। कहीं खड्डे इधर बारिश का पानी इधर जमा होता है, इधर बच्चे जो है ना गंदे पानी में खेल रहे हैं। आगे जो है नाला है, नाले का गंदा पानी पूरा इधर जमा हो रहा है। कई लोग जो है ना बूढ़े लोग जो है ना गिर गए इधर। आगे बच्चे भी गिरे बोलते थे? आगे बच्चे भी गिर गए और बूढ़े लोग भी गिर गए। बच्चे गंदे पानी में खेल रहे हैं मदरसा पढ़ कर आकर। और कई पेशेंट मेरे पास जो आ रहे हैं मलेरिया डेंगू के और चिकनगुनिया के पेशेंट आ रहे हैं। पानी पूरा जमा होता है इधर। ये खड्डे है, कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ काम नहीं हो रहा। यहाँ के जो भी नगर सेवक है यहाँ का ये एरिया का ध्यान दो और जो इसका जो काम है रोड का काम होना चाहिए ताकि जो है ना ये लोग परेशानी से बच जाए। यहाँ पर आज बरसात की वजह से गंदे नाली का पूरा पानी बाहर आ गया। यहाँ पर पाइप नहीं डालने की वजह से पूरा नाला फूट कर पानी, गंदा पानी मस्जिद के सामने से बह रहा है, जिसमें दो बच्चे गिर गए, वो उनके मुंह में पानी चला गया। ये इस तरह ऐसी हालत है। अगर इन बच्चों को कुछ बीमारी हो गई तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसलिए जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द यहाँ की पाइपलाइन डालकर इस नाले की फौरन दुरुस्ती करें और इसके रोड के काम को, पानी जो बह रहा है इस पानी के बहने को फौरन बंद करें ताकि लोगों को तकलीफ़ कम हो। और यहाँ पर गंदगी काफ़ी फैल रही है, इस गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। इसलिए जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द नाले का काम पूरा करके, नई पाइपलाइन डालकर नाले का काम पूरा करें और पानी बहना बंद कर दें। ऐसे मैं प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ के काम को जल्द से जल्द अंजाम दें। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल।